ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए डॉक्टर शोभा जी से पूछते हैं कि इक्सी के अलावा भी कौन सी ऐसी एडवांस टेक्निक है। हाँ, इक्सी अपने आप में ही एक बहुत एडवांस टेक्निक है जो कि हर सेंटर में अभी उपलब्ध नहीं है, और टेस्टिकुलर बायोप्सी से जो इक्सी करते हैं वो भी हर सेंटर में उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, इससे भी एडवांस टेक्निक है, जैसे पिक्सी हुआ, इम्सी हुआ, और हम किसी केसेस में जैसे रिपीटेड आईवीएफ या इक्सी फेलियर्स हैं उन केसेस में जैसे हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कराते हैं और उसके कारणों का पता लगाते हैं कि मेल्स में रिपीटेड फेलियर्स क्यों हो रहे हैं अगर वो हायर ट्रीटमेंट भी ले रहा है। तो उन केसेस में अगर हमें ऐसा लगता है कि उसमें स्पर्म्स में डीएनए फ्रेगमेंटेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी केस में इक्सी के रिपीटेड फेलियर्स हो रहे हैं, पेशेंट ने इक्सी ट्रीटमेंट कहीं से लिया है लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पाई है, उन केसेस में हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो स्पर्म है उसके अंदर कराते हैं और उसके बाद हम दूसरी टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। पहले तो हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन के अमाउंट को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, उसके बाद रिपीट टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद हम पिक्सी का सहारा ले सकते हैं जिसमें कि हम एक स्पेशल डिश होती है और उसमें जो नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं वो ही, जिनमें डीएनए नॉर्मल होता है ऑलमोस्ट, वो ही उस डिश में जाके एक स्पेशलाइज्ड एरिया में जाके लोकेट होते हैं और उन स्पर्म्स को छाँट के, नॉर्मल स्पर्म्स को छाँट के हम उनसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की टेक्निक करते हैं। इसी तरह से एक एमसी होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा हायर मैग्निफिकेशन में स्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो स्पर्म अपने आकार और विकार में एकदम नॉर्मल होता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता और उसकी जो गति नॉर्मल होती है, अगर हम उसको हायर मैग्निफिकेशन में डिटेल्ड एग्जामिन करें तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि कोई डीएनए फ्रेगमेंटेशन या कोई जेनेटिक डिफेक्ट पाया जाए। तो हम हायर मैग्निफिकेशन में एक एक स्पर्म को देखते हैं और उस स्पर्म, उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी स्पर्म है उसको छाँटते हैं, उसको बोलते हैं इम्सी, और उसके बाद हम उसको इंजेक्ट करते हैं और जो एम्ब्रियोस तैयार करते हैं। तो ये जो है इक्सी से थोड़ी हायर टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स में कितना वक्त लगता है? वक्त पेशेंट का वक्त ज़्यादा नहीं लगता, वो ये डॉक्टर की प्रोफिशिएंसी पे होता है। डॉक्टर को डिटेल एग्जामिनेशन करना होता है, उसके अंदर जो टोटल प्रोसेस है, चाहे इक्सी हो, चाहे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हो, चाहे पिक्सी हो, टीसा इक्सी हो, इम्सी हो, टोटल ड्यूरेशन सबके अंदर सेम है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो उसमें डॉक्टर का वक्त ज़्यादा लगता है। पेशेंट का जो टोटल प्रोसीजर है वो, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया, 15 से 17 दिन शॉर्ट प्रोटोकॉल के लिए, या फिर पूरा एक महीना जो लॉन्ग प्रोटोकॉल से हम साइकिल्स करते हैं, पेशेंट का उतना ही समय लगता है। लेकिन हाँ, जो डॉक्टर हैं, जो करने वाले डॉक्टर हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, वो उसमें से जो स्पर्म काउंट करते हैं और स्पर्म्स को छाँटते हैं, वो डॉक्टर का वक्त लगता है, लेकिन टोटल प्रोसीजर सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है। जो प्रोसेस और टेक्निक्स आप बता रहे हैं इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है? इसमें अगर ये तो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। हाँ, इसकी जो मशीन्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की, तो डेफिनेटली जो आईवीएफ साइकिल है उससे थोड़ा अधिक खर्चा आता है, लेकिन इतना भी अधिक नहीं है कि डबल हो गया या ट्रिपल हो गया। इसमें लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगता है, जो इक्सी की टेक्नोलॉजी होती है, उसके जो स्पेशल डिशेज हमें मंगाने पड़ते हैं, इंजेक्शन की जो मशीनरी के जो पार्ट्स मंगाने पड़ते हैं, तो 10 से 20 हज़ार रुपये आईवीएफ से ज़्यादा लगता है। डॉक्टर शोभा, इन टेक्निक्स और प्रोसेस को जब हम अपनाते हैं तो ऐसी कौन से प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें खास तौर से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, इनफर्टिलिटी के किसी भी ट्रीटमेंट में कोई स्पेशल प्रिकॉशन हमें नहीं लेना होता। इसमें ऐसा कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको लेना है। हाँ, लेकिन हमें अपनी हैबिट्स को ज़रूर करेक्ट करना है। अगर कोई मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल, टोबैको इनटेक जो है वो नहीं, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और स्लीपिंग हैबिट्स को आप अपना इम्प्रूव करें, बिकॉज सर्कैडियन रिदम का बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस लेवल को कम करें, और कई बार पुरुष जो हैं, अगर आपकी हार्मोन ह्यूमन सीमन एनालिसिस में शुक्राणु के लेवल्स कम हैं और आपको लगता है कि आपको मेल इनफर्टिलिटी है, तो वो डिप्रेशन में आके इन सब एक्टिविटीज़ को और इंक्रीज़ कर देते हैं, कि उनको लगता है कि मेरी वजह से संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, उनकी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। इसको आप अपनी ईगो प्रॉब्लम ना बनाएं, बिकॉज हर चीज़ का इलाज संभव है। और आप ईगो प्रॉब्लम को लेकर आप अपनी स्मोकिंग और ये जो अल्कोहल इनटेक है इसको इंक्रीज़ ना करें, बल्कि इसको आप डिक्रीज़ करें, अपनी न्यूट्रिशियस फूड लें, डाइट अच्छी लें, अपना स्ट्रेस लेवल कम करें और एक अच्छे सेंटर में जाकर आप इलाज लें, बिकॉज इलाज संभव है। इसको आप पकड़ के ना बैठ जाएं कि ये कारण है और इसके कारण आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में ना आएँ। डॉक्टर शोभा, इनकी सक्सेस रेट कितनी है?
इसका जो सक्सेस रेट है वो एक टेस्ट बेबी जो प्रोसीजर है उसी के सक्सेस रेट पे डिपेंड करता है, और केस टू केस भी डिपेंड करता है कि कितना प्रॉब्लम है, क्या किस टाइप का हमें जो स्पर्म है वो मिल रहा है, कोई और डिफेक्ट तो नहीं है। तो सक्सेस रेट रेंज है इसकी पूरी 40-60% तक एक रेंज में जा सकता है एक साइकिल का। डॉक्टर शोभा, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम मैं धर्म टीवी के दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर चीज़ का इलाज संभव है, और मेल इनफर्टिलिटी जिसका पहले इलाज संभव नहीं था और टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा भी मेल इनफर्टिलिटी की वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो पाती थी, एक जेनेटिक बेबी एक पिता को नहीं मिल पाता था, उसका भी इलाज संभव है। तो आप एक अच्छे सेंटर में जाएं और जांच करवाएं कि क्या कारण है, उनका निदान आप करवाएं और आप एक संतान का सुख भोग सकते हैं। इसको आप इसको सोचकर आप डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाएं, खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, एक्सरसाइज करें और अच्छा आहार लें। और जाते जाते मैं सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस बोलूँगी, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। और क्रिसमस के अवसर पर यीशु भगवान का जन्म हुआ था, और मैं यही शुभकामनाएं दूंगी कि आपके घर में भी एक सुंदर से संतान की प्राप्ति हो और किलकारियाँ जल्द ही गूंजें। तो ये थी डॉक्टर शोभा, जिन्होंने हमें बताया कि तकनीक की सहायता से कैसे आप मेल इनफर्टिलिटी पर काबू पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अंशुल आप सभी से इजाज़त लेती हूँ और कहती हूँ कि देखते रहिए धर्म टीवी, खुश रहिए। नमस्कार।